आप दुनिया में किसी भी जगह घूमने जाएं, लेकिन हर जगह की एक ना एक बात आप हम सभी को पसंद आती है, वो है उस जगह की हिस्ट्री। जी हाँ, ऐसे ही मलेशिया जो कि एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे भारतीय घूमने आते हैं, और सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ घूमने जाते हैं। उस मलेशिया की एक सिटी है मलक्का, और मलक्का पूरे मलेशिया की एक हिस्टोरिक सिटी मानी जाती है। इस सिटी की हिस्टोरिक रेलिवेंस इतनी है कि इस पूरी सिटी को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मलेशिया की एक सिटी मलक्का की टॉप प्लेसेस टू विजिट। मलक्का में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए अगर आप घूमने आ रहे हैं तो। इसलिए जब भी मलेशिया घूमने आए सिर्फ कुआलालंपुर या पिनांग ना जाएं, मलक्का भी आकर यहां की हिस्टोरिकल सिटी एक्सप्लोर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर एक, आ फामोसा। गाइस, मलक्का की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है ये। इस जगह का नाम है अ फामोसा। ये मलक्का का एक किला हुआ करता था जिससे पूरे मलक्का पे नजर रखी जा सकती थी, लेकिन आज के समय इस किले का सिर्फ ये दरवाजा रह गया है जिसे पोर्ट दी सैंटियागो कहते हैं। ये किला बनवाया गया था 1511 में जब पोर्तुगीज ने आके मलक्का पे कब्जा किया था। इसी के आसपास आपको मलक्का का सुल्तानी म्यूजियम दिखेगा और दिखेगा सेंट पॉल चर्च। एक समय पे ये अ फामोसा फोर्ट मलक्का के पूरे हिल साइड में फैला हुआ था, और आज के समय इसका बस एक गेट रह गया है जिसका नाम है पोर्ट दे सैंटियागो। ये किला बनवाया गया था अल्फोंसो दे अल्बुकर्की के द्वारा, जिसने मलक्का पे पोर्तुगीज इन्वेजन को हेड किया था। 16वीं सदी में आ फामोसा में सारा का सारा पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन रहा करता था, और इस पूरे एरिया में उस समय 5 हॉस्पिटल, 5 चर्च और 4 की टॉवर हुआ करते थे। और आज के समय में मलक्का का ये एरिया सबसे बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट बन गया है, जिसमें 600 मीटर के एरिया में आपको मिलेगा सेंट पॉल चर्च, सल्तनत पैलेस म्यूजियम, और इसी के पास आपको मलक्का का फेमस डच स्क्वायर भी देखने को मिलेगा। अ फामोसा पूरे दिन खुला होता है और इसे देखने की कोई फीस नहीं है। नंबर दो, सेंट पॉल्स चर्च। ये मलक्का और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पुराना चर्च है। इस जगह पे आज भी आपको इस चर्च की दीवारों पे गड़े टूमस्टोन दिखाई देंगे, और दिखाई देगी सेंट फ्रांसिस जेवियर की एक मूर्ति जिसके साथ टंगी है एक बेल। ये जगह मलक्का म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है जिसमें चर्च के अलावा अ फामोसा और रेड स्क्वायर भी पड़ता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे घूमने पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। जी हाँ, मलक्का का सेंट पॉल्स चर्च बनवाया था डुआर्ते कोहिलो ने, जो कि एक पोर्तुगीज कैप्टन थे, और ये चर्च उन्होंने वर्जिन मैरी के सम्मान में बनवाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वर्जिन मैरी ने ही कैप्टन कोहिलो की सेल के दौरान समुद्र से उसकी जान बचाई थी। आज के समय आपको यहाँ सिर्फ सेंट पॉल्स चर्च के रुइंस दिखेंगे, जहाँ पर आपको सेंट फ्रांसिस जेवियर की मूर्ति और एक बेल टंगी दिखेगी। जी हाँ, सेंट फ्रांसिस जेवियर वही है जिनके मॉर्टल कॉर्प्स आज भी गोवा के बेसिलिका बाय बॉम जीजस या फिर ओल्ड गोवा चर्च में रखे हैं। साल में एक बार गोवा में उनके मॉर्टल रिमेन्स लोगों को दिखाए जाते हैं। हालांकि एक सीक्रेट ऐसा है जो बहुत लोगों को नहीं पता कि उन रिमेन्स में सेंट फ्रांसिस जेवियर का हाथ नहीं है। जी हाँ, गोवा पहुंचने से पहले उनके मॉर्टल रिमेन्स में से उनका हाथ काट दिया गया था, और आज के समय वो हाथ रोम की वेटिकन सिटी के म्यूजियम में रखा हुआ है। सेंट पॉल्स चर्च आप कभी भी देख सकते हैं, और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है। नंबर तीन, रेड स्क्वायर या डच स्क्वायर। डच स्क्वायर, जिसे रेड स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस जगह की सारी बिल्डिंगें रेड कलर से पेंट कर दी गई है। ये पूरा का पूरा डच स्क्वायर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि इस जगह पर कभी डच का कब्जा था और कभी पोर्तुगीज का। इसी जगह पर आपको मलक्का की काफी सारी अट्रैक्शंस आसपास ही दिखेंगी, और यही मलक्का का सिटी सेंटर माना जाता है। जी हाँ, मलक्का की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ का डच स्क्वायर। ये जगह मलक्का की सबसे बड़ी पिक्चरिस्टिक जगह है, और फोटोग्राफर लवर्स के लिए तो ये जगह एक जन्नत है। मलक्का के डच स्क्वायर के बीचों बीच आपको खड़ा मिलेगा क्वीन विक्टोरिया का फाउंटेन। जी हाँ, क्वीन विक्टोरिया का फाउंटेन। ये सदियों पुराना फाउंटेन बनवाया गया था 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली के मौके पर। हालांकि पूरा डच स्क्वायर बनवाया गया है 1660 और 1700 के बीच में। मलक्का के डच स्क्वायर में आप आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होता हुआ जरूर देखेंगे, जो कि स्पेशली मलक्का के टूरिस्ट के लिए किया जाता है। मलक्का का रेड स्क्वायर आप कभी भी पूरे दिन देख सकते हैं, और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है। नंबर चार, योंकर स्ट्रीट। तो गाइस, हमारी अगली जगह है मलक्का की सबसे हैपनिंग स्ट्रीट। इसका नाम है योंकर स्ट्रीट। इसे योंकर स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, और ये मलक्का का सबसे बड़ा पार्टी एंड शॉपिंग हब है। भाई, अगर आपको मलक्का का एक्चुअल कल्चर जानना है तो आप योंकर स्ट्रीट आ सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए सारे सोविनियर्स, टेक्सटाइल्स, कपड़े, जूते, पर्स, और इसी के साथ साथ आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। योंकर स्ट्रीट या फिर योंकर स्ट्रीट मलक्का के चाइना टाउन की सबसे फेमस स्ट्रीट है। यहाँ आपको कपड़े, एंटीक्स और सोविनियर्स सब कुछ बड़ी आराम से खरीदने को मिलेगा। कहते हैं योंकर स्ट्रीट्स में पहले दुनिया भर के एंटीक्स मिला करते थे। जी हाँ, ऐसे ऐसे एंटीक्स जो आपको कहीं और नहीं मिल सकते, लेकिन समय के साथ एंटीक्स डुप्लीकेट होते गए, और इस स्ट्रीट की
एंटीक्स की शॉप की पॉपुलैरिटी कम होती गई, लेकिन आज के समय योंकर स्ट्रीट मलक्का की सबसे ज्यादा हैपनिंग स्ट्रीट है। इसलिए मलक्का आने वालों को योंकर स्ट्रीट जरूर आना चाहिए। ये स्ट्रीट पूरे दिन खुली होती है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 5, मलक्का रिवर क्रूज। मलक्का रिवर क्रूज मलक्का रिवर पे होने वाला एक 35 मिनट की बोट राइड है जो सिर्फ 30 रिंगिट में आप कर सकते हैं। ये रिवर क्रूज आपको मलक्का की टॉप अट्रैक्शन दिखाएगा सिर्फ एक ही जगह बैठे बैठे। जी हाँ, एक तो मलक्का रिवर में एक बोट क्रूज में जाने का मजा और साथ ही साथ मलक्का की हर एक टॉप अट्रैक्शन देखने का मजा आप एक ही क्रूज में कर सकते हैं। मलक्का रिवर क्रूज मलक्का की रिवर पे एक बोट या क्रूज पे की जाने वाली एक राइड है जो कि तकरीबन 35 से 45 मिनट लंबी होती है और जो सफर करती है तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का। ये क्रूज करते समय आप पार करेंगे मलक्का के सबसे फेमस ब्रिजेस जैसे कि जावा ब्रिज जो कि बनवाया गया था 1714 में, पासर ब्रिज 15वीं सदी में और टैंग किम सैंग ब्रिज जो कि बनवाया गया था 1862 में। इसी के साथ साथ ये क्रूज करते समय आप मलक्का की सबसे फेमस बिल्डिंग्स देख सकते हैं जैसे कि यहाँ की रेड बिल्डिंग, यहाँ का स्टैटूस, यहाँ की योंकर स्ट्रीट और यहाँ की प्री वॉर्स बिल्डिंग। मलक्का रिवर क्रूज एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जिससे आप आराम से बैठ के पूरा मलक्का देख सकते हैं। इस क्रूज की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक और इसकी टिकट शुरू हो जाती है 30 रिंगिट से। नंबर 6, दी स्टैटूस। गाइस, हमारी अगली जगह है मलक्का के रेड स्क्वायर के पास शान से खड़ा दी स्टैटूस। ये एक रेड पेंटेड घंटा घर है और उसी के बगल में एक रेड बिल्डिंग बनी है जो कि पहले जमाने में मलक्का के गवर्नर का घर हुआ करती थी। ये मलक्का की सबसे पुरानी और सबसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। मलक्का के रेड स्क्वायर या फिर डच स्क्वायर की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है दी स्टैटूस। आज के जमाने में ये जगह छोटे से म्यूजियम में बदल दी गई है और इसे बाहर से देखने का कोई पैसा नहीं लगता। जी हाँ, स्टैटूस एक बहुत ही बड़ा टेराकोटा रेड पेंट से पेंट की गई बिल्डिंग जो कि मलक्का के डच स्क्वायर के बीचों बीच खड़ी है। इस जगह को 1641 और 1660 के बीच में बनाया गया था जिसके अंदर आपको म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड एथनोग्राफी मिलेगा। इस म्यूजियम को विजिट करके आपको मलक्का का लोकल कस्टम और ट्रेडिशन पता चलेगा। इसी के बगल में आपको मिलेगा म्यूजियम ऑफ लिटरेचर जहाँ पे आपको इस जगह के हिस्टोरिकल अकाउंट्स, यहाँ के लोकल लेजेंड्स और यहाँ के मैप के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ्स भी देखने को मिलेंगी। इस जगह को आप पूरे दिन देख सकते हैं और स्टैटूस को बाहर से देखने की कोई फीस नहीं लगती। हालांकि इसकी म्यूजियम की एंट्री फीस है 6 रिंगिट जो कि इंडियन रुपीस में होती है 120 रुपए। नंबर 7, सल्तनत पैलेस म्यूजियम। तो गाइस, मेरे पीछे आपको दिख रहा है मलक्का सल्तनत पैलेस म्यूजियम। ये एक और मलक्का की एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है जो कि मलक्का के सुल्तान के पैलेस का एक हूबहू रेप्लिका है। इसके 8 चेंबर्स और 3 फ्लोर्स मलक्का के हिस्ट्री की बहुत सारी गाथाएं गाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मलक्का सल्तनत की ट्रेडिशनल ड्रेसेस, आर्टवर्क, ज्वेलरी, वेपन्स और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स। मलक्का के सेंट पॉल चर्च के बिल्कुल नीचे बसा है मलक्का का सल्तनत पैलेस म्यूजियम और मलक्का आने के बाद यहाँ विजिट करना एक ना एक बार तो जरूर बनता है। मलक्का के मलक्का म्यूजियम कॉम्प्लेक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है दी मलक्का सल्तनत पैलेस म्यूजियम। ये जगह 15वीं सेंचुरी के सुल्तान मंशूर शाह पैलेस का हूबहू रेप्लिका बनाया गया है। ये जगह पहले एक कल्चरल म्यूजियम थी जिसे बोला जाता था म्यूजियम कबूदयान जो कि ट्रांसफॉर्म होके मलक्का सल्तनत पैलेस म्यूजियम बन गई। इस म्यूजियम के अंदर आपको 3 गैलरीज देखने को मिलेंगी जो कि डिस्प्ले करती हैं यहाँ के लोकल लेजेंड्स के बारे में। इस जगह को घूमने में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं क्योंकि इस जगह को घूमते घूमते आप डेफिनेटली मलक्का की हिस्ट्री में खो जाएंगे। सल्तनत पैलेस म्यूजियम सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला होता है और यहाँ की एंट्री फीस है 5 रिंगेट जो कि इंडियन रुपीस में होती है 100 रुपए। नंबर 8, बाबा नोनिया हेरिटेज म्यूजियम। गाइस, हमारी अगली जगह है मलक्का का फेमस बाबा नोनिया म्यूजियम। अब ये बाबा नोनिया क्या है भाई? जब चाइनीज मलेशिया में आए थे तो जब चाइनीज लोगों ने मलेशियन लोगों से शादी करना शुरू कर दिया था तो उनकी मिक्स ब्रीड हो गई थी, यानी कि जिसे आज के जमाने में हाइब्रिड कहा जाता है। अब ये जो मिक्स ब्रीड थी ये अपने आप में इतने इनोवेटिव और इतने क्रिएटिव थे कि आगे चल के इनका नाम बाबा नोनिया रखा गया क्योंकि ये उस जमाने के सबसे ज्यादा वेल्दी और स्मार्ट लोगों में आने लगे। बाबा नोनिया म्यूजियम उस जमाने के हाइब्रिड लोगों के 3 घरों को मिलाकर एक म्यूजियम बना रखा है और उस जमाने में वो लोग कैसे रहते थे इस म्यूजियम में दिखाया जाता है। इस म्यूजियम में आपको एक गाइडेड टूर भी मिलेगा और एक ऑडियो टूर भी मिलेगा जिसको करने में आपको आधे घंटे से 45 मिनट लग सकते हैं। अगर आपको चाइनीज और मलाय लोगों की हिस्ट्री जाननी है तो आप ये म्यूजियम जरूर विजिट करें। मलक्का के बाबा नोनिया म्यूजियम को बनवाया था द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ चैन फैमिली ने और इसे आज के समय मैनेज किया जाता है उसी फैमिली के द्वारा। ये म्यूजियम बनवाया गया था चैन किम ले के द्वारा 1896 में। ये म्यूजियम उस समय के 3 टेरेसेस को मिलाकर बनाया गया है जो कि तकरीबन 20 फुट चौड़े और 180 फुट लंबे हैं। इस म्यूजियम में देखने की सबसे अच्छी चीजें हैं यहाँ का डेकोर, यहाँ के आर्टिफैक्ट्स और यहाँ के फर्नीचर। ये जगह मलक्का के टुन तैन चेंग स्ट्रीट में पड़ती है और इस जगह
जगह की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। बाबा नूनिया म्यूजियम की एंट्री फीस है बड़ों के लिए 16 रिंगेट और बच्चों के लिए 11 रिंगेट, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं तकरीबन 320 रुपए। नंबर 9, चिंग हॉन्ग टिंग टेम्पल। चंगुन टेन टेम्पल एक चाइनीज टेम्पल है जो की डेडिकेटेड है गॉड ऑफ मर्सी के लिए, दया की देवी का टेम्पल है ये चाइनीज टेम्पल, जिनका नाम है खुनयिन। और इस जगह को द टेम्पल ऑफ ग्रीन क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ग्रीन क्लाउड इज अ क्लाउड ऑफ मर्सी। मलाका की 3 फेमस स्ट्रीट जिसमें टेम्पल स्ट्रीट, योंकर स्ट्रीट और म्यूजियम स्ट्रीट आती है, उनमें से एक स्ट्रीट में सबसे फेमस टेम्पल है ये टेम्पल। मलक्का का चैन हुंग टेंग टेम्पल मलेशिया के सबसे पुराने चाइनीज टेम्पल्स में से एक है, जो कि मल्टी फेथ टेम्पल है, यानी कि यहाँ पर हर कोई पूजा कर सकता है जो कि फॉलो करते हैं बुद्धिज्म, ताओइज्म और यहाँ तक कि हिंदुइज्म भी। इस टेम्पल को यूनेस्को की तरफ से एक्सीलेंट आर्किटेक्ट प्रिजर्वेशन का अवार्ड दिया गया है। इस टेम्पल के अंदर आपको कई सारे प्रेयर हॉल्स मिलेंगे जिसके बीचों बीच आपको रखी मिलेगी चाइनीज गॉड कुनयिन की मूर्ति जो कि बनी है काले, सुनहरे और रेड रोप से। चेंग हुंग टेंग टेम्पल पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 10, सेंट पीटर्स चर्च। गाइज ये है हमारी मलक्का की अगली जगह, इस जगह का नाम है सेंट पीटर्स चर्च मलक्का। सेंट पीटर्स चर्च एक रोमन कैथोलिक चर्च है जो कि 1710 में बनवाया गया था जब यहाँ पे डच का रूल चल रहा था, लेकिन इस जगह को एक पोर्तुगीज रूलर ने बनवाया था क्योंकि ये जगह एक पोर्तुगीज रूल के अंदर आती थी जब तक डच लोगों ने इस पे कब्जा नहीं कर लिया 1641 में, और डच के बाद 1798 में इस जगह पर कब्जा करा ब्रिटिशर्स ने। सो देखा जाए तो इस जगह पर काफी सारे रूलर्स ने समय के साथ बदलते बदलते कब्जा किया है। जी हाँ, सेंट पीटर्स चर्च मलक्का का सबसे पुराना फंक्शनिंग रोमन कैथोलिक चर्च है। मलक्का में 1511 से लेकर 1641 तक पोर्तुगीज का रूल था और उस समय इस जगह को एक क्रिश्चियन टाउन की तरह डिस्क्राइब किया जा सकता था। 1618 में मलक्का में तकरीबन 7400 क्रिश्चियन रहते थे और इस जगह पर उस समय 14 चर्चेस और 2 चैपल थे। फिर 1641 में मलक्का में डच ने कब्जा कर लिया और पुराने जो कि एक एंटी कैथोलिक थे, जिन्होंने पुराने पोर्तुगीज चर्चेस को तोड़कर कैथोलिक पॉपुलेशन को यहां से भगा दिया। तो देखा जाए तो मलक्का के लिए ये दोनों यूरोपियन रूलर पोर्तुगीज और डच दोनों ही काफी घातक साबित हुए। हालांकि उस समय की एक इमारत यह चर्च आज भी मौजूद है। सेंट पीटर्स चर्च सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला होता है और यहां की एंट्री बिल्कुल फ्री है। नंबर 11, म्यूजियम समुद्र। गाइस मलक्का में हमारी अगली जगह है ये, इस जगह का नाम है म्यूजियम समुद्र। जी हां, जैसा ये नाम साउंड करता है बिल्कुल वैसा ही है, समुद्र का म्यूजियम। और इस जगह को लोग फ्लोर डेला मार के नाम से भी जानते हैं। ये वो पोर्तुगीज शिप का रेप्लिका है, जब पोर्तुगीज ने मलक्का पे कब्जा किया था तब इस शिप ने उनके इस एक्ट को काफी हेल्प किया था। उस समय यहाँ के समुद्र में ये शिप राजा माना जाता था और आज इस जगह को एक म्यूजियम और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट की तरह यूज किया जाता है। हालांकि असली शिप नहीं है, ये उसका सिर्फ एक रेप्लिका है। इसी शिप के अंदर जाने के बाद आपको मलक्का रिवर का एक बहुत ही बेहतरीन व्यू मिलेगा और यहाँ की साइट सीइंग के लिए ये जगह बेस्ट है। समुद्र म्यूजियम, जिसे द मैरीटाइम म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, वह मलक्का का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट है। जिस तरीके के शिप में बैठ के पोर्तुगीज ने मलक्का पे कब्जा किया था, उसी शिप का रेप्लिका बनाया गया है इस मैरीटाइम म्यूजियम को। ये रेप्लिका तकरीबन 34 मीटर ऊंचा और 8 मीटर चौड़ा है और इस म्यूजियम में दर्शाए गए सभी पात्रों का सबसे मेन फोकस है मलक्का की हिस्ट्री दिखाना। इस जगह पर आपको पुराने जमाने के आर्टिकल्स, सिल्क, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ इस म्यूजियम में आपको मलक्का जिन जिन एराज से गुजरा है उन सब एराज की झलकियां देखने को मिलेंगी। इसी म्यूजियम से आपको मलक्का रिवर का एक बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा और ये जगह बच्चों के लिए भी एक फन फील्ड जगह हो सकती है। मैरीटाइम म्यूजियम या फिर समुद्र म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है तकरीबन 5 रिंगेट, जो कि इंडियन रुपीज में होती है 100 रुपए। नंबर 12, ट्राई रिक्शा। भाई अगर मलक्का घूमने आ रहे हो तो एक और चीज जरूर करना, यहाँ पर मलक्का घूमते घूमते आपको ऐसी सुंदर सुंदर ट्राईव्हीलर रिक्शा दिखेंगी जिनको आप राइड कर सकते हो सिर्फ मलक्का के अंदर अंदर। ये इतनी खूबसूरत और सुंदर रिक्शा है जिसमें बहुत तेज म्यूजिक चलता है और आप नाचते गाते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो। क्योंकि मलक्का बहुत बड़ी सिटी नहीं है, इसलिए रिक्शा में बैठ के चलना एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत कम दाम में आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे। अगर आप मलक्का में एक फन फील्ड एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं वहाँ की ट्राई रिक्शा। जी हाँ, मलक्का के गली कूचों में आपको चलती मिलेगी वहाँ की ट्राई रिक्शा, जो कि कहने को एक रिक्शा या फिर एक टुकटुक की तरह है, लेकिन टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए उस रिक्शा में बहुत इंतजाम किए गए हैं। मलक्का की हर ट्राई रिक्शा आपको अलग तरीके से सजी मिलेगी जिसमें आप लाउड म्यूजिक सुनते सुनते पूरा मलक्का घूम सकते हैं। मलक्का की ट्राई रिक्शा का एक्सपीरियंस आपको मलेशिया में और कहीं नहीं हो सकता। तो गाइस ये थी टॉप थिंग्स टू डू इन मलक्का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हमने मलेशिया की और भी जगहों की टॉप प्लेसेस टू वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर देखें। इसी के साथ साथ अगर आप मलेशिया घूमने आ रहे हैं या फिर उसके लिए प्लान कर रहे हैं और आपको अपने फिंगर टिप्स पे मलेशिया की सारी जानकारी चाहिए कि कौन से होटल में रहे, कहां ट्रांसपोर्टेशन बुक करें, फ्लाइट कैसे बुक करें, वीजा कैसे लगवाएं और कौन कौन सी जगहें घूमने जाएं, उसकी आइटिनरी क्या होनी चाहिए, पहला दिन कौन सा, दूसरा दिन कौन सा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप के लिंक को डाउनलोड करके मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करें, हमारी ऐप
डाउनलोड करें और वहां जाके लें हमारी मलेशिया की ट्रैवल गाइड, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मलेशिया से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो आपको बार बार और कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, बस वो गाइड लें और अपना पूरा ट्रैवल प्लान कर लें। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो